प्रिय बच्चों सुप्रभात। आप लोगों का नया सत्र शुरू होने जा रहा है और इस सत्र में आज मैं क्लास टू का हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। आपके लिए जो पाठ हिंदी पाठ पुस्तक की किताबें तय की गई हैं उसका नाम है सुरभि। सुरभि का अर्थ होता है पुष्प, फूल, सुमन। यह भाषा रूपी सुमन है, भाषा रूपी फूल है, जो हमें संस्कार, संस्कृति, सभ्यता और साहित्य का सुगंध प्रदान करता है, सौरभ प्रदान करता है, सुंदरता प्रदान करता है। इसी हिंदी के माध्यम से आज मैं आप लोगों को प्रथम पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। इस प्रथम पाठ का नाम है वंदना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्शिप। वर्शिप मीन्स पूजा भी होता है, वंदना अर्थात पूजा, पूजा अर्थात आराधना। आराधना या वंदना या पूजा में वह शक्ति है कि व्यक्ति को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। मन में जो आप संकल्प लेते हैं कि हमें, या मन में चाहत पैदा करते हैं कि हमें कुछ प्राप्त हो ईश्वर से, तो उसके लिए हम उनकी वंदना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। भक्ति समर्पण है, अपने आप को उस देवता के प्रति पूरी तरह समर्पण कर देना जिनका हम आराधना करने जा रहे हैं। समर्पण में शक्ति होता है, ज्ञान, और शक्ति हमें ज्ञान देती है। सरस्वती के प्रति समर्पण से ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसीलिए इस पाठ में माँ सरस्वती की वंदना की गई है। सरस्वती आप सभी जानते हैं कि सरस्वती विद्या की दायिनी है, विद्या देने वाली है, और इसीलिए हम बच्चे प्रतिवर्ष विद्यालय में भी उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। इसीलिए इस पाठ में भी सबसे पहले हम उनकी वंदना करते हैं, वंदना करने जा रहे हैं। बच्चे माँ सरस्वती से वंदना करते हुए कहते हैं, वीणा वादिनी तू वीणा बजा दे जरा, आए हैं माता हम सब तेरे द्वार पर। कि ऐ माँ सरस्वती, कि हम सभी बच्चे आज आपके द्वार पर आए हैं, आपके दरबार में आए हैं, कि आप वीणा, अपनी वीणा बजा दें जो ज्ञान की देने वाली है, ज्ञान रूपी शक्ति प्रदान करने वाली है, हम सबों के लिए बजा दें। सभ्यता, संस्कृति और साहित्य का लगे नारा हरदम तेरे द्वार पर, ताकि हम बच्चे ज्ञानवान होकर सभ्यता, संस्कृति और साहित्य का प्रचार प्रसार कर सकें, और उस प्रचार प्रसार से सारे संसार में एक सा आवाज़ गूंजने लगे, वह आवाज़ ज्ञान रूपी प्रकाश का हो, वह ज्ञान रूपी शक्ति का हो। दीजिए ऐसी शक्ति माता मुझे, याद रखे सदा हम माता तुझे। कि ये माँ मुझे एक ऐसी शक्ति दो जिससे हम संसार के लिए कुछ कर सकें, और हमेशा उस याद के द्वारा हम तुझे भी याद रख सकें, सारे संसार तुझे याद रख सकें, ऐसा हमें वरदान दो। हो विजय माता मेरी हर हार पर, और उस ज्ञान के द्वारा हम हर पराजय पर अपनी विजय पताका फहरा सकें, हर कठिनाई का सामना हम कर सकें, हर दुखों को झेल सकें,
अज्ञानता रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से मिटा सकें। हाथ जोड़े तुम्हारी विनती करें, सच बोले सदा हम कभी न डरे। कि मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हम सत्य मार्ग से कभी न डिगें, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलें, सच बोलें और हम कभी भी किसी से भी कहीं भी न डरे। भगवती कर कृपा सारे संसार पर, कि माँ तुम सारे संसार पर कृपा करो ताकि सभ्यता संस्कृति और साहित्य का आवाज़ पूरे संसार में हर घर घर से निकल सके और हर घर के हर द्वार तक पहुंच सके। बिना वादिनी तो बिना बजा दे, आए हैं माता हम सब तेरे द्वार पर। ऐ माँ तुम ज्ञान रूपी बीना को बजा दे ताकि हम सबों का कल्याण हो सके, हम अज्ञानता रूपी अंधकार को चीड़ कर ज्ञान रूपी प्रकाश को सारे संसार में फैला सकें। इसीलिए आज हम तेरे द्वार पर आए हैं, तुम अपनी ज्ञान रूपी वीणा बजा दे, वीणा बजा दे। बच्चों, आप लोगों के इस कविता के अर्थ को समझने के लिए व्हाट्सएप पर शब्दार्थ भी दिए गए हैं और आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने प्रयास किया है उसे अच्छी तरह समझने के लिए आपके पास पुस्तकों का होना भी अनिवार्य है। इसलिए आप लोगों के लिए पुस्तक विद्यालय में आ गई है, आप लोग अपने अपने अभिभावक से कहकर जितना जल्द हो सके पुस्तक खरीद लें ताकि हमारे पढ़ाई को पुस्तक से मिलान करते हुए शब्दार्थ को पंक्तियों के अनुसार जोड़ते हुए उसके अर्थ को अच्छी तरह समझ सकें, उसका लाभ उठा सकें। बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। सधन्यवाद।